सलाम अलैकुम। मैं आज बनाने वाली हूँ मटन की बिरयानी। ये 1 किलो मटन, 1 किलो चावल, 2 प्याज की डलियाँ बड़ी बड़ी, हरा मसाला, चमचा अदरक लहसुन टेबल स्पून, 1 चाय का चमचा गरम मसाला, 1 चाय का चमचा लाल मिर्ची, 1 चाय का चमचा हल्दी, 1.5 चाय का चमचा नमक। पानी में डालने के लिए 4 बड़े इलायचियाँ, 6-7 छोटे इलायचियाँ, 4 लौंग, हरा मसाला, दालचीनी, 4 चम्मच नमक, क्योंकि चावल 1 किलो है इसमें 4 चम्मच नमक। और दम देने के लिए दूध, तेल, ज़ाफ़रान, जोजोत्री, कलर, आधा किलो दही, ये चमचे से 2 चमचे तेल है। ये पिसा हुआ हरा मसाला है, इसमें कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची और थोड़ा नींबू भी है, 1 टेबल स्पून। इसमें ज़रा पक गया बाद पानी भी डालना है, क्योंकि गोश्त का है ना, तो गोश्त गलने के लिए पानी होना है। गोश्त के लिए 1 गिलास कितना पानी डालना गोश्त गलने के लिए, नहीं बोलने की जरूरत। ये पानी में नमक, हरा मसाला, ये कचरा निकाल देंगे। ये थोड़ा गर्म पानी निकाल के इसमें ज़ाफ़रान, जौस, जोत्री और कलर डालेंगे। ये चावल डाल दिए, अब चावल हो गए बाद दम देंगे। यखनी पक गई, पहले आधा घंटा उसको तेज चूल्हे पे रखे, उसके बाद धीमे पे आधा घंटा रखे। ये गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया। ये चावल आधे गल गए, अब आधे दम में गल जाएंगे। ये कलर तेल, आधी प्याली तेल यानी 2 चमचे से थोड़ा कम। ये 1.5 नींबू, बड़े 1.5 नींबू, ये प्याज,
ये थी हमारी मटन की बिरयानी। क्या आपने हमारे पहले के पकवान देखे हैं? नहीं देखे तो अभी देख लीजिए, और अगर देख लिए तो किस बात का इंतज़ार है? लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।